हाँ किड्स। हाय सर। आज हमने ये वाली टाइलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है? There is a garden in Anuj's house. In the middle of the garden, there is a path. They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet, and 5 feet. अब देखो, एक कोई गार्डन है अनु का, जिसमें कि हमने क्या करनी है, टाइल्स लगानी है जो रास्ता है बीच में, ठीक है? ओके। अब हमने जो इसमें टाइल्स लगानी वो लगानी या तो हमने 2 फीट की लगानी है, 2x2 की, मतलब 2 उसकी लंबाई और 2 उसकी चौड़ाई, या 3 फीट या 3x3 की लगा सकते हैं, या 5x5 की लगा सकते हैं। द मेसन टाइल्स द फर्स्ट रो विद 2 फीट टाइल्स, द सेकेंड रो विद 3 फीट टाइल्स, एंड द थर्ड रो विद 5 फीट टाइल्स। अब जो मजदूर था, मजदूर ने क्या किया कि जो पहली लाइन थी उसमें तो उसने 2x2 की लगा दी, दूसरी में 3x3 की लगा दी, और चौथी में 5x5 की लगा दी। द मैशन हैज नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स, और जो मजदूर था उसने जो टाइल है वो कोई भी टाइल उसने उसमें कट नहीं करी। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, तो वो बोल रहे हैं कि सबसे कम जो लंबाई हो इस रास्ते की कितनी हो कि जो ये तीनों टाइल्स हम लगा रहे हैं इसमें फिट बैठ जाएं और कोई भी टाइल को काटना ना पड़े, ठीक है? तो कितने बाई कितने की टाइल्स लगेंगी, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको? ये इस चैप्टर में हमने क्या क्या दो चीज़ें पढ़ी हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स, ठीक है? इसके अलावा हमने दो चीज़ें और पढ़ी हैं, LCM और HCM। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें? LCM, क्योंकि LCM की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो बोल रहे हैं सबसे कम निकालना है हमने, तो 2, 3 और 5 का हमने क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कोई बच्चा बता सकता है कैसे निकालते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल? मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं हम? मल्टीपल्स मतलब गुणा, मल्टीपल्स मतलब पहाड़े, ठीक है? तो 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम, 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे और 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। वो सबसे छोटा मल्टीपल लिखना है जो तीनों में क्या हो रहा हो, आ रहा हो। क्लियर है? ठीक है, शुरू करें। बताओ 2 का 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28, 30, 32, 33, 36, 28,
हम करेंगे। अब किसका लेना है आपने, हमने थ्री का बताओ, और आगे तक, ठीक है। अब लेना है हमने किसका, फाइव का, क्लियर है। अब देखो सबसे छोटा जो मल्टीपल जो कॉमन है टू और थ्री में वो सिक्स है, लेकिन सिक्स फाइव में नहीं आता। अब देखो और कहाँ आ रहा है, अब देखो ट्वेंटी है, ट्वेंटी टू में भी आ रहा है और फाइव में भी आ रहा है, लेकिन थ्री में ट्वेंटी नहीं आ रहा। थर्टी, अब देखो थर्टी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, क्लियर है। Yes, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो थर्टी है, इसके बाद कौन सी चीज कॉमन आएगी इन तीनों में, सिक्सटी, फिर नाइनटी, फिर 120, वेरी गुड। तो इसका जो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा कितना होना चाहिए, वो थर्टी फिट, थर्टी फिट का हमारा क्या होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए, तब जाके ये जो तीनों टाइल्स हैं बिल्कुल उसमें फिट बैठेंगे और कोई भी टाइल को काटना नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस, मनोज एक नया घर बनाया, ठीक है, और वो जो उसने घर बनाया है उसका जो फर्श है, फर्श में वो क्या लगाना चाहता है, टाइल्स लगाना चाहता है। अब जो उसके रूम का जो साइज है वो 9x12 फिट है, मतलब 9 फिट उसकी लंबाई है और 12 फिट उसकी चौड़ाई है, क्लियर है। या 9 फिट उसकी चौड़ाई हो सकती है, 12 फिट उसकी लंबाई हो सकती है। इन द मार्केट, जब वो मार्केट में टाइल लेने के लिए गया तो उसे तीन टाइप की टाइल्स मिली, एक तो 1x1 की मिली, एक 2x2 की मिली, एक 3x3 की मिली। विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। अब वो बोल रहा है कि जब वो वहां दुकान में गया, अब वो चाहता था कि मैं दुकान में टाइल्स लाऊं और मुझे टाइल्स को क्या करना पड़े, काटना न पड़े, क्योंकि अगर हम हमारी टाइल्स कटेंगे तो क्या होगी, वेस्टेज होगी, क्योंकि वो टाइल के टुकड़े तो किसी काम के हैं नहीं हमारे, ठीक है, तो टाइल के टुकड़े फेंकने पड़ेंगे। तो इसलिए वो क्या करना चाहता था, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज लाना चाहता था जिससे कि हमको टाइल्स को कट ना करना पड़े। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 9 और एक है 12, क्लियर है, 9 और 12। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमको कैसे पता चलेगा, गुणा, क्या करना पड़ेगा हमको 9 और 12 के, मल्टीप्लाई,
फैक्टर्स क्या करने पड़ेंगे फैक्टर्स बताओ क्या क्या फैक्टर्स होंगे नाइन के थ्री ट्वेल्व के सिक्स टू जा और थ्री टू जा क्लियर हो गए अब देखो नाइन के क्या क्या फैक्टर्स हो गए हमारे पास थ्री और थ्री और ट्वेल्व के थ्री टू टू ठीक है अब कॉमन कौन कौन से हैं इसमें से थ्री के कॉमन है ठीक है अब वो बोल रहे हैं कि इन तीनों टाइल्स में से कौन सी फिट रहेगी जो कि वो जिसको वो खरीद ले थ्री बाई थ्री की ठीक है थ्री बाई थ्री की हो गई और वन तो इनमें है ही वन तो है ही ना या तो वन बाई वन के लिए क्योंकि वन बाई वन के तो हर जगह फिट है क्योंकि वो तो कभी ख़राब होगी ही नहीं अगर आपके पास बिल्कुल सही डायमेंशंस हैं अगर हमारी लंबाई नौ है चौड़ाई बारह है तब तो एक बाई एक की तो फिट होनी है उसमें अगर लंबाई हमारी साढ़े नौ हो गई तब एक ही फिट की क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी तब काटनी पड़ जाएगी आधा नहीं होना चाहिए कहीं क्लियर है समझ आई यस सर